मैं शाम सिंह चीफ प्रेसिडेंट आर जे एल के हाउसिंग बोर्ड इम्प्लाइज एसोसिएशन से, मेरे साथ सीनियर लीडर इम्प्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी सेशन के इम्प्लाइज। आज का जो मेरा बड़ा इशू था, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार जी। मैं शाम सिंह चीफ प्रेसिडेंट आर जे एल के हाउसिंग बोर्ड इम्प्लाइज एसोसिएशन, मेरे साथ सीनियर लीडर बाबू हुसैन मलिक इम्प्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी से। मेरा आज का जो मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। आज का जो मेरा मेन मकसद था कि एमडी की पोस्ट यहाँ 30 जून से वैकेंट थी, गवर्नमेंट ने आज एमडी हाउसिंग बोर्ड में तैनात कर दिया, इसलिए हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, ऑनरेबल गवर्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एचएनयूडी का और जीएडी कमिश्नर का, कि जो कि हमारा इशू था ये सेटल हो। और आज की डेट में जो अफसर हाउसिंग बोर्ड में तैनात किया है, इसने हाउसिंग बोर्ड में आते ही करोड़ों के हिसाब से हाउसिंग बोर्ड को बेनिफिट दिया, और ये अफसर 18-18 घंटे काम करके ले रहे हैं। और इसके साथ जो अलवीन कोर है कलेक्टर जैन के हाउसिंग बोर्ड में, ये ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं और इनका बहुत हार्ड वर्कर है, और इनके लिए हमें गवर्नमेंट से यही डिमांड है, इन अफसरों को कम से कम हाउसिंग बोर्ड में 2 से 3 साल तक इनको टाइम दिया जाए, ताकि हाउसिंग बोर्ड के मसले हल जाए। बाकी हमारा एम्प्लाइज का जो एक इशू है, 20 साल से हमारा पेंडिंग है। सबसे पहले एक बड़ा इशू हमारा जो है कि सेक्रेटरी की पोस्ट जो है फरवरी से यहाँ वैकेंट है, अभी तक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने हमें नहीं तैनात किया। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इमीडिएटली यहाँ सेक्रेटरी भेजा जाए, और जो हमारे एम्प्लाइज के इशू हैं डीपीसी के और एमडी हाउसिंग बोर्ड, जो अभी मोहम्मद शहीद सलीम डार साहब जो यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि एमडी ये हमारे हाउसिंग बोर्ड की जो डिमांड है एम्प्लाइज की, और इमीडिएटली सेटल करें। जय हिंद, जय भारत।